जी किस तरह की मांग लेकर आप यहाँ पहुँचे थे और किस तरह का आश्वासन मिला आपको? जी आश्वासन तो बहुत अच्छा दिया हमें, लेकिन जितने बच्चे छोटे छोटे बच्चे तक खौफ खा गए हैं इस वक्त, इतना भय है उन बच्चों में, वो अपनी मम्मियों से कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं निकलेंगे, घर से नहीं निकलते। अभी छोटे बच्चे कुछ हमारे साथ आना चाह रहे थे, फिर उनको रोका गया कि नहीं आप मत चलो। और लगातार ये घटनाएं घटती चली जा रही है, यदि इन पर रोक नहीं हुआ तो क्या हश्र होगा ये हम नहीं बता सकते। आज वो अंकल को जिनको जिनके घर में वारदात हुई, 18 स्टिच हैं उनको सर पे, उनकी वाइफ को भी यहाँ पर गंभीर चोट लगी है सर में, और सारे दरवाजे तक अपन कहते हैं दरवाजे लगा के रखे हैं, सारी चैनल्स लगी है, उनके पास तो सारे हथियार होते हैं, सब काट दिए उन्होंने। सोसाइटी की ओर से है व्यवस्था, चौकीदार की व्यवस्था है, पर वो पर्याप्त नहीं है। यदि पर्याप्त व्यवस्था हो तो इस प्रकार की वारदात नहीं होगी। अभी थाने पे आए हैं क्या, आश्वासन क्या दिया? नहीं, सर ने ये कहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं आपको बता नहीं पाएंगे, बाकी ये है कि हमारे प्रयास जारी है और शीघ्र ही आपके सामने कोई परिणाम आएगा, ऐसा उन्होंने सर ने बोला है। मेरा डॉक्टर राजकुमारी गुप्ता। एक्चुअली हमारी ये डिमांड थी, जो घटना हुई है उससे हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे एरिया में एक पुलिस चौकी हो, साथ में हमारे एरिया की गश्त तो बढ़ाई जाए, स्पेशली हमारी कॉलोनी की, क्योंकि लगातार 2014 या 13 से हर साल घटना होती है, हर साल, और अभी तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया है। अभी पुलिस को आपने आवेदन दिया है क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन इस बार हम कॉन्क्रीट कुछ चाह रहे हैं कि मिल ही जाए चोर। आपका नाम बताओ। टीना रघुवंशी।